तो भाई आपकी गाड़ी में क्लच प्लेट खराब हो चुकी है और आपको नहीं पता है कि आपकी गाड़ी में क्लच प्लेट ही खराब हुई है, और ऐसे टाइम पे आपकी गाड़ी किन साइंस को प्रोड्यूस करती है और किस तरह आप जान सकते हैं कि आपकी गाड़ी में और क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ बनी रहिएगा इस वीडियो पे। क्लच से रिलेटेड आपका सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करना। इससे शायद आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा पर किसी का तो कुछ बन जाएगा। तो भाई हम टोटल 6 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि जब आपकी गाड़ी में क्लच सेट खराब हो जाता है और आपकी गाड़ी इन साइंस को प्रोड्यूस करती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 है कि आपकी गाड़ी में लो पावर का आना। अब देखिए, जनरली आपकी गाड़ी क्या होता है कि आप जब चला रहे हैं डेली, आपकी क्लच सेट एकदम बढ़िया है, तो आपकी गाड़ी में जो पावर जनरेट होती है वो क्लच प्लेट से होते हुए आपके गेयरबॉक्स में जाती है और वहाँ से आपके व्हील्स में ट्रांसफ़र हो जाती है, और ये पूरा प्रोसेस अच्छे तरह से चलता रहता है। तो आपका क्लच सेट बिल्कुल अच्छा है तो वो पावर का ट्रांसमिशन एकदम बढ़िया होगा और आपकी गाड़ी बढ़िया सा आपको पावर देगी, और चलने में भी आपको पिकअप में भी उस तरह का मज़ा रहता है और आपकी माइलेज भी अच्छी रहती है। और इसी केस में अगर आपकी क्लच सेट खराब हो जाता है तो पावर और पिकअप, माइलेज, ये सारी चीज़ बिगड़ जाती हैं। तो भाई आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अब इसमें क्या है कि देखिए, आप अपनी गाड़ी को जब भी स्टार्ट करने के बाद में फर्स्ट गियर में डालते हैं और जैसे ही आप क्लच को छोड़ते हैं अपनी गाड़ी को फॉरवर्ड पोजीशन में लाने के लिए, तो यहाँ पे एक आपको हल्का सा जर्क महसूस होगा, एक झटका सा महसूस होगा। अब ये होता किस वजह से है कि जनरली जब आपकी क्लच सेट एकदम अच्छे से काम कर रहा है तो उसमें फ्रिक्शन ऐसा रहता है कि जो वो पूरी तरह से घूम सकता है। अब वो हो चुका है ख़राब, तो वहाँ पे वो फ्रिक्शन उसको नहीं मिल पाता है, और इस वजह से जब भी आप अपने क्लच को रिलीज़ करते हैं गाड़ी को फॉरवर्ड जाने के लिए, तो आपको हल्का सा जर्क महसूस होगा। उसके बाद में आपकी गाड़ी जब आराम से चलने लगेगी तो एक तरह से मान लो इजी चलेगा, लेकिन जब आप दोबारा से कोई भी गियर को शिफ्ट करोगे, मान लो फर्स्ट से सेकंड पे आ रहे हैं, सेकंड से थर्ड पे आ रहे हैं, और आप फिर से आप अपने क्लच पेडल को छोड़ रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे आपको फिर से एक हल्का सा झटका महसूस होगा। और ऐसी साइंस अगर आपकी गाड़ी में आ रहे हैं तो मान लीजिए आपके क्लच प्रॉब्लम में है। अब भाई आते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में कि देखिए, आपकी गाड़ी अगर आप एक्सीलरेट कर रहे हैं उसके बाद में RPM हाई जा रहे हैं पर उस हिसाब से देखिए स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, जनरली ये प्रॉब्लम होती है आपकी गाड़ी में थर्ड गियर में। अगर आप थर्ड गियर में अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, आपका क्लच सेट एकदम बढ़िया है, तो अगर आप अपनी गाड़ी को उस समय पे एक्सेलरेट करते हैं तो 80, 90 या 100 तक आपकी गाड़ी आराम से चली जाती है। पर उल्टा यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी में क्लच प्लेट में कुछ भी तकलीफें हैं तो ऐसे टाइम पे अगर आपकी गाड़ी थर्ड गियर में चल रही है तो वो बिल्कुल ही आपकी गाड़ी पावर प्रोड्यूस तो नहीं कर पाती है और उसकी स्पीड लेस देन 40 किलोमीटर रह जाती है। मतलब 40 से ऊपर अगर अपनी गाड़ी को लेते हैं तो RPM आपको बढ़ते महसूस होंगे पर उस हिसाब से स्पीड वो बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो पावर सही से जनरेट तो कर रहा है इंजन, जो आपके गियरबॉक्स तक नहीं जा पा रही है। और अगर ऐसे साइन आपकी गाड़ी में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी क्लच सेट में प्रॉब्लम है। भाई पॉइंट नंबर 4 की तरफ आते हैं, क्लच स्लिपेज। अब ये क्लच स्लिपेज मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँ कि सपोज़ आपने गाड़ी ऑन करके आपने क्लच दबाया और आपने फर्स्ट गियर में गाड़ी को डालने के बाद में जब आप अपनी गाड़ी को सोच रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, पर ऐसे में आपने अपनी अभी तक क्लच को नहीं छोड़ा है, क्लच को आपने पूरी तरह से दबा रखा है, पर आपकी गाड़ी एकदम से जोर लगा रही है हल्का हल्का सा आगे जाने के लिए, अब वो आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, आपको ऐसा महसूस होगा कि मैंने क्लच दबा रखा है और मैं क्लच को छोड़ नहीं रहा हूँ, फिर भी आपको लगेगा गाड़ी हल्का हल्का MM के हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो ये होता है भाई क्लच स्लिपेज का प्रॉब्लम। और ऐसी प्रॉब्लम तभी आती है कि जब भी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट में कहीं ना कहीं वेयर एंड टियर बढ़ गया हो और वो नज़दीक ही आ चुकी है कि आपकी गाड़ी में अब वो ख़त्म हो चुकी है। तो अगर ऐसी साइन भी आपकी गाड़ी में आती है तो यहाँ पे भी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट में प्रॉब्लम हो सकती है, इसको चेक करें। तो भाई पाँचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इस पॉइंट तक आपकी गाड़ी आ गई है तो भाई तुरंत आपको एक मैकेनिक की ज़रूरत है। यहाँ पर आप रिस्क ना लेते हुए अपनी गाड़ी में काम करवाएँ जिससे कि आपकी गाड़ी अच्छी बनी रहे। तो वो है भाई आपके क्लच में स्मेल का आना, मतलब जलने जैसी स्मेल का आना, बदबू का आना। अब ये कैसी होती है मैं आपको बताऊं, जब भी आप गाड़ी को चला रहे हैं एकदम से आपने RPM बढ़ा दिए या फिर आपकी गाड़ी में लोड ज़्यादा बैठा हुआ है, मान लो इंसान है तो इंसान ज़्यादा बैठे हुए हैं, या आपकी गाड़ी किसी चढ़ाई को चढ़ रही है, ऐसे टाइम पर आपको सीधी सी बात एक्सेलरेटर हाई करने की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे अगर आपकी क्लच सेट में तकलीफें हैं तो इतना फ्रिक्शन बढ़ जाता है कि वहाँ से जलने की बदबू आती है, बकायदा आप अपनी गाड़ी की केबिन में बैठे वहाँ तक आपको फील होगा कि आगे से कुछ तो जल रहा है और वो आपकी केबिन में धुआं सा हल्का प्रोड्यूस भी कर सकता है। और अगर आपकी गाड़ी में ये वाला सिनेरियो आ जाता है
तो तुरंत आपको जरूरत है किसी न किसी मैकेनिक की और क्लच प्लेट का या प्रेशर प्लेट का जो भी है पूरा सेट चेंज करने की। तो इससे ज़्यादा आप अपनी गाड़ी को आगे बेकार में ना खींचें, आप भी सुरक्षित रहें और गाड़ी को भी सुरक्षित रखें। तो भाई कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगेन फिर से प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आपका नहीं कुछ बिगड़ेगा पर किसी का कुछ बन जाएगा।